टिंगूर बंगाल की सियासत में ऐसा नाम है जिसके बिना ममता बैनर्जी की सियासी कहानी अधूरी है। 14 साल पहले ममता ने सिंगूर के सहारे सत्ता हासिल की, लेकिन आज वही सिंगूर रो रहा है। वहां के किसान बदहाली में जी रहे हैं, अब उन्हें भी दीदी का धोखा समझ में आने लगा है। आपको दिखाते हैं सिंगूर की धरती से ममता के छल की ग्राउंड रिपोर्ट। आज सिंगूर बोलेगा, दीदी की पोल खोलेगा। सिंगूर में कुछ नहीं पाया है, जब बामपन था पालने को उम्मीद था, पर टीएमसी जो धरना किया था, मोहतवा जो धरना किया था, उम्मीद में पूरा पानी फेर दिया था। दीदी से दूर हो रहा सिंगू, इसको देना था जमीन वापस में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुख की बात है, केंद्र सरकार बोला था इसको जमीन दे दो, लेकिन खेती बाड़ी के लिए कुछ नहीं हुआ है अब तक। सिंगूर मानुष को घाटा, ममता को करेंगे टाटा। अभी तक कुछ सोचा नहीं है, जब अभी इलेक्शन का टाइम है अभी क्यों सोच रहे, जब 10 साल में कुछ उसका भेजे में नहीं आया, फिर अभी कैसा आएगा। सिंगूर से ममता के छल की ग्राउंड रिपोर्ट। जी हिंदुस्तान बंगाल में है, हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की बात करते हैं, खबरों में हिंदुस्तान, दिल में हिंदुस्तान, और जब बात हिंदुस्तान की हो रही है तो बंगाल की जमीन की भी बात होनी चाहिए। इस वक्त मैं सिंगूर में हूँ, वो सिंगूर जहां से ममता बनर्जी ने सत्ता का रास्ता तय किया। यहां पर क्या जमीनी हकीकत है लोगों से ही जानते हैं। ये बताइए कि सिंगूर आंदोलन इतना बड़ा हुआ, टीएमसी जो है वो सत्ता तक पहुंच गई, लेफ्ट का किला ढह गया, लेकिन सिंगूर ने क्या पाया मुझे बताइए, यहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है। सिंगूर में कुछ नहीं पाया है, जब बामपन था पालने को उम्मीद था, और टीएमसी जो धरना किया था, मोहतवा जो धरना किया था, उम्मीद में पूरा पानी फेर दिया था, ठीक है, उम्मीद का जो था वो पूरी मिट्टी में मिला दिया। 14 साल पहले जिस जमीन पर ममता दीदी ने अपनी सत्ता के बीज बोए, जिस जमीन पर आंदोलन करके दीदी ने बंगाल पर 10 साल तक राज किया, आज वही जमीन सिसक रही है। ममता पर भरोसे करने वाला किसान रो रहा है, दीदी को कोस रहा है, कराहते हुए आवाज आ रही है, काश दीदी पर विश्वास नहीं किया होता तो आज सिंगूर का ये हाल ना होता। अब जो किया था गलत किया है, टाटा भी चल गया, टाटा की गलत, टाटा हमारा जाया था, बाल बच्चा भी, खाना के लिए डुगड़ी भी, सोने चाहिए था, अब क्या क्या, कुछ नहीं क्या है। ममता दी गलत करता है, आप लोग अब भी बोला टांग तोड़ गया, अभी बोला टांग तोड़ गया, टांग किस लेके चल गया, आपको बल्ब नहीं चलता है, तो आप लोग आप खुद कर रही है भैया, आप खुद ममता दी भाई को उड़ा सची करे थोड़े से। सिंगूर की ये वही जमीन है जिस पर दीदी ने सियासत की खेती की, किसानों को अपना मोहरा बनाया और लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन 10 साल बाद उन किसानों की हालत क्या है ये देखने के लिए जी हिंदुस्तान सिंगूर पहुंचा। जी हिंदुस्तान के रिपोर्टर प्रत्युष खरे उस जमीन पर गए और देखा कि जो जमीन उपजाऊ थी, किसानों की रोजी रोटी का जरिया थी, आज वो बंजर पड़ी है और किसान रो रहा है। यहाँ पर अब खेती नहीं होती, लोग कहते हैं कि यहाँ से प्लांट तो शिफ्ट हो गया, लोगों को जमीन भी वापस मिल गई, लेकिन अब वो जमीन खेती करने लायक नहीं रही। लोग कहते हैं कि वो आंदोलन जिससे ममता दीदी सत्ता के शिखर तक पहुंची, उस आंदोलन से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि आज भी हालात वही हैं जो पहले हुआ करते थे, और आज की तारीख में यहां पर किसानों के पास ना खेती करने के लिए उनके पास ऐसा अवसर है, ना ही उनके पास कोई रोजगार का अवसर है। वो कहते हैं कि अब कोई इंडस्ट्री भी यहां पर आना नहीं चाहती। सिंगूर के किसान आंदोलन के उस भयावह दौर को नहीं भूले हैं, कैसे टाटा नैनो प्लांट को दीदी ने अपनी जिद की वजह से लगने नहीं दिया। आज खुद सिंगूर के किसान बोल रहे हैं उन्हें गुमराह किया गया, ममता बनर्जी ने सिंगूर के दम पर सत्ता हासिल की, लेकिन सिंगूर को क्या मिला, सिर्फ बेबसी और बंजर जमीन।
तो 34 साल तक बंगाल में लेफ्ट का शासन रहा है और इसी के बाद दीदी ने बंगाल की बागडोर संभाली है। नंदीग्राम सिंगूर दो ऐसे इलाके जहां दीदी ने अपनी सियासत की नींव रखी और आज उसी नींव पर सत्ता की इमारत की मालकिन है। लेकिन सवाल ये कि दीदी ने जो कुछ सिंगूर से हासिल किया क्या वो लौटा पाई है? सिंगूर की हालत देख आपको समझ आ जाएगा कि क्यों सिंगूर के किसान की जिंदगी बंजर जमीन की तरह अब हो चुकी है। सिंगूर में इसी जमीन के लिए 14 साल पहले किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। यहीं पर टाटा की नैनो कार की फैक्ट्री बननी थी। टाटा ग्रुप के रतन टाटा ने 18 मई 2006 को सिंगूर में इसी जगह पर लकटकिया कार की फैक्ट्री लगाने की घोषणा की। उस वक्त पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी और सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, जिनके खिलाफ दीदी ने आंदोलन किया था। दीदी को तो सत्ता हासिल हो गई, लेकिन किसानों को मिले सिर्फ आंसू। जमीन बेकार हो गया, बेकार हुआ। अभी तक आपको दिखाएगा पत्थर बा। आपको ममता दी के बोलिए, ना बोलो ममता दी, ममता दी अपने नाम सिगुड़े पास के सिगुंदो गिरफ्त के लिए अब जो किया था गलत किया है। साल 2006 से लेकर अब तक कितना कुछ बदल गया। सिंगूर के किसानों के लिए धरना देने वाली दीदी भी बदल गई। ममता बनर्जी ने टाटा फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन करके किसानों की अधिकृत जमीन तो छुड़ा ली, लेकिन वो किसानों को उनका हक नहीं दिला पाई। ये मोंटू है जो रोजाना अपनी जमीन पर जाते हैं, बंजर जमीन को देखते रहते हैं और अपनी बेबसी को कोसते हैं, क्योंकि ना तो मुआवजा मिला और ना ही जमीन खेती लायक बची। बंजर आपने देखा मेरा भाई जमीन चास करने के लायक है कि नहीं लायक है, सारा हिंदुस्तान को मेरा भाई ने दिखा दिया। तो फिर उसका फायदा किसको हुआ ये बताओ? उसका फायदा हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। वो किसका फायदा है? वो जो सरकार है उसको ही मालूम है किसको फायदा हुआ है। अच्छा। 14 साल पहले सिंगूर में जमीन के लिए शुरू हुए संघर्ष ने यहाँ के सैकड़ों किसानों को सिर्फ और सिर्फ ठगा है, क्योंकि फैक्ट्री नहीं लगने से विकास का रास्ता बंद हो गया और अधिकृत जमीन में से सिर्फ 30% ही खेती लायक बची है। लेकिन जिन किसानों की जमीन थी उनकी हालत अब ऐसी नहीं बची है कि वो खेती कर पाए। कुछ सिंगूर छोड़कर चले गए, कुछ बदहाली में जी रहे हैं। टाटा भी चल गया, टाटा की गलाई, टाटा हमारा आया था, बाल बच्चा भी खाना के लिए डोगी भी सोने चाहिए था। अब क्या क्या कुछ नहीं क्या है ममता दी, गलत करता है आप लोग। दीदी ने आज से 14 साल पहले खुद को बंगाल के किसानों का मसीहा बनने का छल किया था। ममता ने जिस तरह से सिंगूर में आंदोलन किया उसने किसानों को बड़ी उम्मीद दी थी, लेकिन वो उम्मीद अब धराशायी हो चुकी है। दीदी का सिंगूर से धोखा बेपर्दा हो चुका है।